ओ हे गाइस, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे ही रहे। तो गाइस, आगे आज आप इस वीडियो को देखते हैं और हम आपके लिए ला चुके हैं टिकटॉक्स का एक और नया एपिसोड, जहां पे हम आपको पिछले हफ्ते में हुई, मतलब 2-3 दिनों में हुई टेक से रिलेटेड न्यूज देते रहते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके रख रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, एक और बात, जो सी खबर अच्छी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि उस खबर में आपको क्या अच्छा लगा। तो मैं हूं अक्षत और आप देख रहे हैं अक्षत टेक जोन। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, जो हमारा पहला अपडेट निकल के आता है वो बहुत अमेजिंग है और बहुत ही खुशी की खबर भी है। तो जो IMC आ रहे हैं इंडिया की, जो वैक्सीन को मतलब देती है, बांटती है, उसने IIT के साथ एक पार्टनरशिप करके ये सोचने की मतलब ये सोचा है कि क्या हो हम अगर ड्रोन से COVID-19 वैक्सीन की डिलीवरी करें तो इससे जो वैक्सीन की डिलीवरीज हैं वो और भी ज़्यादा तेज़ी से हो सकती है। तो इनका ये फैसला भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब फिर देखते हैं कि ड्रोन से कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ। तो गाइस, जो हमारा अगला अपडेट निकल के आता हुआ था रियलमी की तरफ से, और रियलमी ने यहाँ पे लॉन्च कर दी है उसकी क्यू सीरीज, जिसके से 3 फोन्स हैं रियलमी क्यू सीरीज के अंदर। और इनमें कुछ खास ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता है मुझे, मेरे हिसाब से, क्योंकि बजट के हिसाब से ये फ़ोन बहुत ज़्यादा अच्छे स्पेक्स अपने साथ नहीं लेके आते हैं। अब खैर, देखते हैं कि इन लोगों को ये स्पेक्स के साथ ये फ़ोन खरीदेंगे। हम बढ़ते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ। तो यहाँ पे जो अगला नंबर का जो हमारा अपडेट आता है वो आता है MI की तरफ से, और MI की टीवी MI ने इंडिया में लॉन्च कर दी है 4K अल्ट्रा HD टीवी 75 इंचेस की। और यहाँ पे ये है MI का इंडिया में सबसे महंगा प्रोडक्ट अभी तक का, और जो इसकी रेट है वो है 1,19,999, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इस रेट का ये पहला प्रोडक्ट है MI का जो उसमें इतना महंगा लॉन्च कर रहा है। अब खैर, MI के फोन्स भी आ रहे हैं अभी महंगे, जिनका लॉन्च तो हो चुका है, जैसे MI 11 अल्ट्रा, उनका बिकना स्टार्ट अभी नहीं हुआ है। तो खैर, वो भी देखेंगे कि हमको इतने महंगे फ़ोन भी लोग MI के ख़रीदना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। खैर, हम बढ़ते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ। तो गाइस, जो हमारा अगला अपडेट निकल के आता है वो आता है सोनी की पॉकेट SE को लेके, और जो सोनी ने इससे पिछली बार लॉन्च करी थी, जिसको आप ऐसे शर्ट के पीछे लगा लो और फिर ठंडा ठंडा महसूस करो, तो उसी का ही इनने एक और सेकंड वर्जन भी लॉन्च यहाँ पे कर दिया है, जो आपको अब और ठंडा ठंडा कूल एक्सपीरियंस देगी और लाइट वेट भी है उस पहले वाली से ये। और यहाँ पे बस आपको इसको शर्ट के बैक साइड पर लगाना रहता है और फिर आप बिल्कुल गर्मी में ठंडी का एहसास ले सकते हो। पर प्राइस भी ठंडी मिटाने के लिए बहुत ज़्यादा है, वो है 10,000 रुपये। जितने में एक कूलर आ जाता है उतने में इनकी सिर्फ पॉकेट ऐसी है, जो कि इतनी छोटी सी है, शर्ट के पीछे लग जाती है और ज़्यादा देर तक चलती भी नहीं। अब खैर, देखते हैं जिन लोग खरीदने और ख़रीद सकते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ। तो गाइस, जो हमारे पास अगला अपडेट निकल के आता है वो आता है Samsung Galaxy A22 के लीक्स को लेके। तो यहाँ पे इसके फोटो लीक होए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि इंडिया में बहुत 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 ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, और जब देखने को मिलेगा हम आपको इसकी खबर ऑब्वियसली दे ही देंगे। और खैर, देखते हैं हमें क्या स्पेक्स और क्या कीमत के साथ हमें इंडिया में देखने को मिलता है। हम बढ़ते हैं फिर हमारे अगले अपडेट की तरफ। हाँ, वो जो अगला अपडेट निकल के आता है वो आता है Xiaomi की तरफ से, और Xiaomi का नया फोन Mi 11 अल्ट्रा इंडिया में लॉन्च हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा तगड़े स्पेक्स हैं, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा प्राइस भी इसका है, सिर्फ 70,000 रुपये का ये फ़ोन है। और ऑब्वियसली फ़ोन में बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं, और ये सैमसंग का जो S21 है 1 लाख का फ़ोन, उसे बहुत ही भयंकर तरीके से ये फ़ोन बीट कर रहा है। अगर आपको इसकी अनबॉक्सिंग देखनी नहीं है तो मैंने अनबॉक्सिंग कर रखी है, ऊपर आई बटन में एक वीडियो आ रही है, अभी उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप मेरी वीडियो उस पर चल जाओगे और वहाँ पर आपको इसकी अनबॉक्सिंग देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, बहुत ही तगड़ा फ़ोन है। अगर आपको 70,000 के रेंज में कोई फ़ोन खरीदना है तो गाइस ऑब्वियसली मैं कहूँगा कि आप किसी फ़ोन को खरीदें, बहुत ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा तगड़ा फ़ोन है। और इसी के साथ Xiaomi ने और बहुत सारी चीज़ें भी लॉन्च करी थी। ऐसे इसका एक फ़ोन है जो कि अराउंड 30 से 35 हज़ार का है, मेरे को ऑब्वियसली प्राइस तो नहीं मालूम, पर हाँ अराउंड 30 से 35 हज़ार रुपये का फ़ोन है MI 11 जो MI ने लॉन्च 23 तारीख को लॉन्च इवेंट में लॉन्च करा है। उसी के साथ MI Band 5 और भी बहुत सारी चीज़ें लॉन्च करी है, मेरे को नाम का भी सबके याद आ नहीं रहे हैं। हम बढ़ते हैं हमारे फिलहाल अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आता है वो भी Xiaomi की तरफ से आता है, पर ये Mi की तरफ से आता है।
यानी एमआई की तरफ से आता है। और एमआई के भी जो मैं अभी आपको फ़ोन का नाम बता रहा था, उस फ़ोन का नाम है मी 11 एक्स प्रो सीरीज़, यानी एक्स सीरीज। एमआई की एक्स सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है एमआई अल्ट्रा 11 अल्ट्रा के साथ, जिसका नाम है एमआई 11 एक्स प्रो, जिसका जो 8 GB 128 GB वेरियंट है वो है 40,000 का, और जो हाई वेरियंट का प्राइस है वो है 42,000। ये फ़ोन भी अपने साथ बहुत ही तगड़े स्पेक्स लेके आता है। लॉन्च तो हो चुका है पर बिकना स्टार्ट नहीं हुआ है, बिकना बहुत ज़्यादा जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। और डिटेल्स के लिए आप अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी अगर आपको ये फ़ोन ख़रीदना है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ। गाइस यहाँ पे बहुत बड़ी खबर आती है, एप्पल की कोई सी पैटर्न कंपनी है उसके ऊपर अटैक हो चुका है, और अटैक के लिए जो अटैकर्स की डिमांड थी वो थी $15 बिलियन, जो कि बहुत 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 ज़्यादा है और इंडियन रुपीज़ में है। और जो इसकी इंडिया में प्राइस है वो है कम से कम 370 या फिर 80 करोड़ रुपये, जो कि बहुत ज़्यादा है। पर भाई एप्पल कंपनी आराम से दे सकती है और अपनी कंपनियां छुड़वा सकती है। वैसे आजकल साइबर अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप सुरक्षित रहें और सतर्क रहें और किसी को भी अपना कुछ भी डिटेल्स शेयर ना करें। हम बढ़ते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ। गैलेक्सी बुक प्रो 360 के साथ में यहाँ पे ये सैमसंग ने लॉन्च कर दिए हैं US में, और यहाँ पे जो इसकी US की प्राइस है वो है लगभग 35,000 से 36,000 रुपये। अगर ये इंडिया में आते हैं तो भाई इनके स्पेक्स को लेके लगता है मुझे कि थोड़े बहुत ज़्यादा तो बिकेंगे। स्पेक्स प्राइस के मामले में थोड़े बहुत अच्छे हैं। अब खैर देखते हैं इंडिया में ये लॉन्च होंगे या फिर नहीं होंगे, और होंगे तो फिर क्या स्पेक्स साथ लॉन्च होंगे। हम बढ़ते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ। यहाँ सबसे बड़ी खबर, तो यहाँ पे सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं आखिर वो चीज़ की अपडेट कुछ निकल के आई है। मैं बात पबजी की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात 4G की कर रहा हूँ। जब ये लॉन्च हुआ था इसकी रेटिंग प्ले स्टोर पे अराउंड 4.5 स्टार रेटिंग थी, पर आज की डेट में इसकी रेटिंग 3 स्टार से भी नीचे गिर चुकी है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि गेम वालों ने उसके बाद से अफकोर्स लिया, 2 से 3 महीने हो चुके हैं और भी ज़्यादा हो चुके हैं, और गेम वालों ने इसमें कुछ भी डेवलपमेंट नहीं करी है। जो डेथ मैच की बात थी वो भी डेथ मैच अभी तक नहीं आया है, पर आज जो अपडेट निकल के आई है उस हिसाब से डेथ मैच की कुछ लीक्स निकल के आई हैं और कुछ वीडियोस निकल के आई है छोटी सी, जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि भाई अफकोर्स हम जून के महीने में इसका नया अपडेट देख सकते हैं, और अफकोर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा ही डेट में देखने को लग रहा है। फिर देखते हैं हमें क्या जून में हमें देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो हम आपकी इसके अपडेट जरूर दे देंगे। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के ज़रूर रखें। तो यहाँ पे जो अगला अपडेट आता है वो आता है इंटरनेशनल बुक डे को लेके। तो यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आता है वो आता है अमेज़ॉन की तरफ से, और अमेज़ॉन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है फ्री ई बुक्स यहाँ पे सेलिब्रेशन ऑफ बुक डे को लेके। तो यहाँ पे आप अमेज़ॉन से किंडली की कोई भी 10 ई बुक्स फ्री में पढ़ सकते हो, यानी डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वाली कोई सी भी बुक हो बुक डे के सेलिब्रेशन में। और ये ऑफर रहने वाला है 25 तारीख के 12 बजे से पहले पहले। तो भाई अगर आपको पढ़ने लिखने का और बुक्स पढ़ने का शौक है तो आप कोर्सली जा सकते हो, आपको बहुत अमेजिंग सा फ़ायदा होगा, फ्री में बुक्स मिल जाएंगी और ज्ञान फ्री में मिल रहा है तो ऑफकोर्स ले लो यार। हम बढ़ते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ। तो यहाँ पे एक और अपडेट निकल के आई है गेम को लेके, ऑफकोर्सली जो मैंने पहले बोला था वो जी नहीं, इस बार पबजी। तो पबजी की यहाँ पे कुछ अपडेट निकल के आई है, फिर ये गेम कब तक आएगा तो बाद में पता चलेगा, पर कुछ लीक्स के हिसाब से एक खबर निकल के आई है कि गेम में थोड़ा बहुत सुधार और हुआ है। गेम की जो एडिटिंग है वो बिल्कुल एंड लाइन पे चल रही है, ये एडिटिंग जैसे ख़त्म होगी गेम उसके बाद ऑफकोर्स किया जाएगा। डेट निकल के नहीं आई है, पर गेम के अंदर की कुछ छोटी मोटी चीज़ जो मैं आपको बता सकता हूँ वो ये है कि पहले जैसा हो सकता था कि अब आपका आप अपने कैरेक्टर के पूरे कपड़े उतार नहीं सकते हो, मतलब जो उसमें कस्टमाइज कपड़े आएंगे वो आप उसके बाद से कपड़े उतार नहीं सकते हो। हाँ कस्टमाइज कर सकते हो कपड़ों को अपने हिसाब से, पर आप अब पूरे कपड़े इसमें नहीं उतार पाओगे। और हाँ एक और चीज़ है कि यहाँ पे वॉयलेंस को लेके जो ये अभी तक बीच में रुका पड़ा था उसको लेके यहाँ पे एक अच्छा कदम उठाया गया है। तो जो पहले ब्लड दिखता था आप गोली मारते थे, तो उसकी जगह यहाँ पे अब आपको ग्रीन कलर निकलता हुआ दिखेगा। तब खैर देखते हैं कि ये सारे चेंजेस होने के बाद, और भी बहुत सारे चेंजेस छोटे मोटे, ये सारे चेंजेस होने के बाद गेम हमें कैसे देखने को मिलता है। और हाँ एक चीज़ में भूल गया जो बड़ी है कि यहाँ पे गेम में एक बहुत बड़ा चेंजेस भी हुआ है कि गेम में अब लगा रहेगा टाइमर, क्योंकि कोई भी रोग इसे ज़्यादा देर तक ना खेल पाए, और ये गेम इसी शर्त पे इंडिया में आएगा।
तो अब खेल देखते हैं कि कितनी देर का हमें टाइमर इसे देखने को मिलता है और हमें एक दिन में कितने घंटे पबजी को खेल पाते हैं, ये सारी डिटेल्स हमें पबजी के लॉन्च होने के बाद ही देखने को मिलेगी। अब खेल पहले लॉन्च हो उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि क्या हमें देखने को मिलता है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे जो हमारा अगला अपडेट निकल के आता है वो आता है नोकिया की तरफ से, और यहाँ पे एप्पल, सोनी, एमआई और अलग अलग कंपनी की जैसा ये भी आ चुका है लाइन पे, और यह कहता है कि अब हम भी चार्जर नहीं देंगे डब्बे के साथ, आपको चार्जर अलग से खरीदना रहेगा, हम भी इन्वायरमेंट बचाएंगे। भाई इन्वायरमेंट बचता कैसे भाई, चार्जर तो तुम वैसे भी बने रहे हो, चार्जर तो बनेंगे, अब उसे डब्बे में रख के अलग दो या फिर अलग रख के भेजो, बात तो एक ही पड़ रही है। बस ये है कि फ़ोन की कॉस्ट बढ़ा देंगे, फ़ोन की कॉस्ट मतलब कम हो जाएगी तो बंदे को लगेगा फ़ोन सस्ता है, पर चार्जर नहीं है तो ऑफकोर्स ही सस्ता होगा ही, सही ना। चार्जर खरीद लेंगे तो कॉस्ट अपने आप बढ़ जाएगी। अब खैर देखते हैं कि अगर नोकिया बिना चार्जर के साथ XPS 20 सीरीज लॉन्च करता है तो कितने लोग खरीदेंगे। वैसे खरीदता तो नोकिया कोई भी नहीं है, मैंने अपने यहाँ पे आसपास जहाँ पे मैं रहता हूँ मैंने किसी के पास भी नोकिया नहीं देखा है भाई, फिर खरीदता कौन है इन्हें यार। बाकी फ़ोन बहुत अच्छे से लॉन्च करती है पर अब इनमें वो पुराने वाले नोकिया वाली दम नहीं रहती है कि फेंक दो और कुछ नहीं होगा, अफकोर्स ये अब हो जाता है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले अपडेट को तरफ। तो गाइस जो हमारा अगला अपडेट निकल के आता है वो आता है ये कि ख़त्म हो गए। तो गाइस अपडेट हमारे ख़त्म हो चुके हैं, मैंने आपको सारी खबर बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बता दी है। आपको जो सी खबर अच्छी लगी हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, जय हिंद वंदे मातरम।